नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको होम्योपैथी का एक ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रॉप बताऊंगा, बनाना बताऊंगा और उसको लेना कैसे है, जो पूरे शरीर की जो धुलाई है अंदर से एक तरीके से कर देता है, लीवर, किडनी, फेफड़े और आंतों को पूरे तरीके से क्लीन कर देता है, जिससे क्या होता है, जो डिजीज़ बन रही है फिलहाल, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो प्रॉब्लम नहीं होती और भविष्य में कोई बड़ी समस्या क्रिएट ना हो उसके लिए भी ज़रूरी है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी ड्रिंक है, इसको आप एक चाय की तरह ले सकते हैं। मैं बोलूँगा एक अच्छी सुबह की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इस ड्रिंक को ज़रूर लीजिए और आप देखिए आपको कितने अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हम देख रहे हैं, दूध में भी, इवन पानी भी कई जगह साफ नहीं है, जिसकी वजह से, और खाने पीने की चीज़ें भी सब ऐसी है, नकली चीज़ें भी हैं और मिलावटी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। दूध में भी उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, तेल भी साफ़ नहीं है जिसमें पाम ऑयल मिला जा रहा है। इन सब का लगातार कंज्यूम करते रहने से ये इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि लीवर में कंजेशन हो जाता है, फैटी लीवर देखने को मिलता है, किडनी में डस्ट जमा होने लगती है, बार बार पथरी बन रही है लोगों को, और साथ में इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। किसी को कोई दिन में 10 बार लैटिन के लिए जाता है, किसी को लैटिन होती ही नहीं है, मतलब किसी को कब्ज है और किसी को बार बार जाना होता है, किसी को एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, किसी की भूख कम है और किसी को राक्षसी भूख लग रही है, किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है, किसी का वेट इतना बढ़ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही किसी के लगातार कम एज में बाल गिर जा रहे हैं सारे, 25-26 साल की उम्र में बाल गिर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, दांतों की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सब का कारण है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं जो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना अच्छे से पसीना आ पा रहा है, ना यूरिन में पास हो रहे हैं वो, ना टॉयलेट के थ्रू पास हो रहे हैं। भगवान ने ये तीनों चीज़ें बनाई हैं ताकि जो गंदगी है वो शरीर की बाहर निकल सके, लेकिन वो नहीं निकल पा रही है, या गंदगी इतनी अंदर जा रही है कि वो बाहर निकलने का और जो रेशियो है वो बहुत कम है। जैसे अभी स्मोक, धूल, डस्ट, बाहर इतनी सारी टाइप की गंदगी है, इतना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है जो हम सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं, स्किन के थ्रू इतनी सारी चीज़ें अंदर जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन आप लेते रहेंगे तो आपका जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो है उसको मेंटेन करेगा, जितनी तेज़ी से गंदगी अंदर जा रही है सारी गंदगी को बाहर निकाल लेगा, तेज़ी के साथ बाहर निकाल लेगा। दो चीज़ें आपको बताऊँगा, एक कॉम्बिनेशन है और एक प्रिपेयर्ड बनी बनाई मेडिसिन है होम्योपैथी की, आप दोनों को लेंगे आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और कितनी जल्दी आप लोग स्थिति से बाहर निकलेंगे और भविष्य में ऐसा समस्या जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। पहले जो मेरा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी ड्रिंक, जिसको मैं काटो ड्रिंक के नाम से जानता हूँ, KATO, काटो ड्रिंक स्पेशल ड्रिंक है, होम्योपैथी के चार कॉम्बिनेशन से, चार मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, चार मदर टिंचर से मिलकर बनी है। काटो का पहला कॉम्बिनेशन है कालमेघ। कालमेघ लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है और किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, दोनों चीज़ों को क्लीन कर देता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कालमेघ का मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml, 10 ml अश्वगंधा सेकंड मदर टिंचर है हमारे पास। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है, इम्यूनिटी को अपनी बढ़ाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें को मैनेज करता है। अश्वगंधा को भी कॉम्बिनेशन में ले लेंगे 10 ml। तीसरा जो मदर टिंचर है काटो में वो है टिनोस्फोरा कोर्डिफोलिया, ये गिलोय का मदर टिंचर है। गिलोय एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी से सभी, खासकर वायरल बैक्टीरियल डिजीज, जैसे किसी को बार बार टाइफाइड होता है, हाथों में बैठ जाता है टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको बाहर निकालने का काम करता है, तो टिनोस्फोरा कोर्डिफोलिया को भी 10 ml इस कॉम्बिनेशन में ले लेंगे। काटो में जो लास्ट है, जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है, वो है ओसीमम सेंटम। ओसीमम मतलब तुलसी से बनी है और तुलसी आप जानते हैं फुल बॉडी क्लींजर है,
पूरी बॉडी को क्लीन करती है। इसको भी अपने कॉम्बिनेशन में ले लेंगे 10 ml। इन चारों मेडिसिन को आपस में मिक्स करेंगे और इसको हमें खाना खाने के पहले लेना है, दिन में 3 बार, 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम को। आधे कप गुनगुने पानी में डाल के इसको हम कंज्यूम करेंगे, इसको हम लेंगे, ये बॉडी को डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देगा और जो गंदगी है उसको ठीक करेगा, जो प्रॉब्लम कंजेशन इन्फ्लामेशन जो ऑर्गन्स में आ गई है उसको ठीक करना ये शुरू कर देगा। दूसरा जो ये पहली मेडिसिन हो गई हमारी काटो कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो मेडिसिन है वो है एक प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, वीजल कंपनी का है। वीजल कंपनी ने एलोए त्रिफला जूस के नाम से, एलोए त्रिफला ड्रिंक के नाम से एक ड्रिंक बनाई है जिसमें एलोवेरा और त्रिफला है। त्रिफला का मतलब जिसमें हरड़, बेहड़ और आंवला के मदर टिंचर मिक्स कर गए हैं। इनको होम्योपैथी में टर्मिनेलिया चेबुला मतलब हरड़, और टर्मिनेलिया बेलरिका मतलब बेहड़ा, और फेलेंथस एम्बिलिका मतलब आंवला। इन तीनों मेडिसिन को मिला के त्रिफला बनाया गया है। साथ में इसमें एलोए को ऐड किया गया, मतलब एलोवेरा को ऐड किया गया है। एलोवेरा पूरी बॉडी को क्लीन करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, स्किन के थ्रू ग्लो लाता है, स्किन के थ्रू पसीने के थ्रू चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो हरड़ है, बेहड़ है और आंवला है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, खांसी है तो उसको बाहर निकालते हैं, कफ के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, मतलब पोटी के थ्रू चीज़ों को बाहर निकलेंगी, पूरी बॉडी को ये क्लीन अप करेगा। ये बहुत अच्छा सायरप है, मैंने खुद भी पर्सनली इसको यूज़ किया है, बल्कि मैं करता हूँ। पहले मैं पतंजलि का लेता था, ये आंवला एलोवेरा और जो त्रिफला है अलग से, लेकिन जब से मुझे इसका पता चला है अब मैं इसको साल भर में एक कोर्स जरूर करता हूँ जब मौसम चेंज होता है, खासकर फरवरी और मार्च में। आप लोग भी इस ट्रीटमेंट को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मौसम चेंज होने पे करेंगे, जैसे फरवरी मार्च में मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन बहुत बड़े लेवल पे वहाँ चाहिए होता है और होता भी है नेचुरली भी, साथ में हम इनका सपोर्ट कर देंगे तो और अच्छे से हमें ये देखने को मिलेगा। अब इसको लेना कैसे है, इसको लगभग 1 गिलास पानी में, एक ढक्कन इसके साथ में जो आता है, 1 गिलास पानी में उसको ऐड करके और सुबह सुबह इसको खाली पेट पीना होता है। सुबह सुबह इसकी ये ड्रिंक आप लेंगे जो वीजल का एलो त्रिफला जूस है, सुबह सुबह 1 गिलास पानी में 5 से 10 ml के आसपास, 5 ml भी ऐड करेंगे तो काफ़ी है। इसको आप सुबह सुबह पियेंगे, सुबह फ्रेश होने के बाद, फिर 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं लेना है, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आप जो काटो ड्रिंक मैंने बताई है उसकी 10 बूंदे लेंगे, ऐसे ही दोपहर को उसकी 10 बूंदे, ऐसे ही शाम को उसकी 10 बूंदे। इस तरीके से आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को, काटो और त्रिफला एलोय जूस को लेना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये परमानेंटली चीज़ों को क्लीन अप करता है। और आप इसको लेना कितने दिन है ये भी बड़ा क्वेश्चन है, कई बार ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, इसको लेना कितने दिन है ये इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा इसको लगातार 3 महीने लीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, जैसे 1 महीना लेने के बाद में आपको 4 से 5 दिन का गैप देना है, फिर 1 महीना, फिर 4 से 5 दिन का गैप, फिर 1 महीना, ऐसे 3 महीना इसको लेके हम छोड़ देंगे। हर साल ऐसे ही ये कोर्स करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो गंदगी है वो नहीं आएगी और जो गंदगी की वजह से प्रॉब्लम हो चुकी है वो ठीक हो जाएगी। बड़ों को, बच्चों को, सभी को दे सकते हैं। बच्चों के लिए डोज जस्ट हाफ कर दी जाएगी, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ये ना दें, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए हाफ ड्रॉप जो मैंने डोज जो मैंने बताई है, और बड़े लोगों के लिए वही डोज जो मैंने बताई है। ये था आज का वीडियो होम्योपैथिक रेमेडी से, फुल बॉडी डिटॉक्स, फुल बॉडी क्लीनअप कैसे करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।